न्यू वीडियो ऑफ एनर्जेटिक टिपरासा यूट्यूब चैनल। सो आज दोस्तों हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हमने कल मेरा फ़ोन था दैट इज गैलेक्सी A52, उसका हमने बैक कवर चेंज किया था। तो ये रहा नया बैक कवर, ये काफ़ी सुंदर है अभी, लेकिन दोस्तों शायद ये भी कुछ साल बाद कुछ महीने बाद ये भी ख़राब हो जाए और इसका रंग ख़राब हो जाए। तो आप लोगों को पता है जो लोग ट्रांसपेरेंट फ़ोन कवर यूज़ करते हैं, बैक कवर ट्रांसपेरेंट कवर काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उससे उसको लगाने से आपका फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो मतलब बाहर से विजिबल होता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोस्तों क्या होता है, कुछ महीने बाद ये जो ट्रांसपेरेंट बैक कवर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत ही धूल मिट्टी और पता नहीं एक येलो कलर जैसा ब्राउनिश कलर जैसा चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि जो मेल है वो पूरा वहाँ पे लग जाते हैं और आप इसको जितना भी वॉश करें वो नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, आज हम वो जो मेरा जो पुराना बैक कवर था वो भी स्पाइसन ब्रांड गया था, ये तो नया बैक कवर है अभी, तो हम इस पुराने बैक कवर को स्प्रे पेंट करके देखेंगे हम उसको दोबारा यूज़ कर पाते कि नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जहाँ पे हम जो पुराने बैक कवर है वहाँ पे स्प्रे पेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा था मेरा स्पाइसजेट का जो पुराना बैक कवर है, तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये है पुराना बैक कवर, इसको आप देख सकते हो अभी ये काफ़ी मेला हो चुका है, काफ़ी गंदा दिख रहा है, लेकिन कवर अभी भी बहुत बढ़िया है, ये स्पाइसजेट ब्रांड का है। तो मैं बोल रहा था इसका कवर अभी पूरा अच्छा ही है, लेकिन उसका लुक जो है काफ़ी गंदा हो चुका है, तो इसको हम आज स्प्रे पेंट करेंगे। तो इसके लिए मैंने मंगवा लिया है फ्लिपकार्ट से मेरा स्प्रे पेंट करने वाला कैन, तो ये भी आज डिलीवर हुआ है, तो इसको फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और ये एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा अनबॉक्सिंग पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है ये कैन स्प्रेयर, ये आप देख सकते हो ये निकाबी ब्रांड का है। तो हम इस स्प्रे पेन से आज ये जो हमारा पुराना बैक कवर केसिंग है उसको पेंट करेंगे। तो हम देखेंगे कि आपका जो पुराना बैक कवर है जो ख़राब हो गया, कि आप उसको दोबारा यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस कैन स्प्रेयर की मदद से हम उसको पेंट करेंगे और देखते हैं ये कैन स्प्रेयर का जो कलर है ये यहाँ पे लगता कि नहीं लगता, और इसको हम ऐसे बैक कवर फिर से यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो मेरा ये काफ़ी महंगा है। दोस्तों मैं बोल रहा था अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो ये मेरा स्पाइसजेट का जो ऑरिजिनल बैक कवर है ये ख़राब हो जाएगा। ये भी काफ़ी महंगा था, इसको मैंने तकरीबन 1000 रुपीज़ देके ख़रीदा था। तो आप सभी के लिए मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो आई होप ये वीडियो को आप लाइक करना और शेयर करना। तो आइए चलिए अभी पेंट करते हैं इसको इस स्प्रे पेंट की मदद से। तो दोस्तों अभी रेडी हो चुका है हमारा ये स्प्रे पेंट और ये फोन केस कवर, इसको हम बाहर ही कर रहे हैं ताकि रूम के अंदर कोई गंदगी ना हो। तो चलिए इसको पेंट करना शुरू कर देते हैं, इसको अच्छे से शेक कर लेते हैं पेंट करने से पहले। इस न्यूज़पेपर के ऊपर रख के पेंट करते हैं इसको ताकि ये वॉल खराब ना हो। तो चलिए रेडी हो चुका है हमारा, इसको थोड़ा अच्छे से वॉश कर लेता हूँ ताकि कोई धूल मिट्टी ना हो। लेट्स स्टार्ट प्रोसीजर। सिंगल लेयर पेंट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ठीक हो गया, थोड़ा वॉश करना पड़ेगा लगता है। दोस्तों मैंने काफ़ी पास से पेंट किया इसलिए ये थोड़ा ठीक हो गया, अभी थोड़ा दूर से पेंट करके देखते हैं। तो दोस्तों एक बार पेंट हो गया, कम से कम 2-3 लेयर पेंट दिया मैंने, तो अब इसको सूखने के लिए रख दिया बाहर। तो देखते हैं इसको सूखने देते हैं, देखते हैं कब तक सूख जाएगा ये नॉर्मली तो ऐसा जो स्प्रे पेंट है जल्दी सूख जाता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा कि भी ज़्यादा ठीक हो गया और ये किनारों में ज़्यादा अच्छे से पेंट नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं, अभी इसको सूखने के लिए रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं। धूप तो अच्छा है आज, हाँ इसको थोड़ा सूखने के लिए देते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद आएंगे फिर से शुरू करेंगे इसको। मुझे नहीं लगता ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने वाला है, ताकि आप देख सकते हो काफ़ी बम जैसा आ गया है ये कलर जो है, मतलब
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, कलर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, कहीं जगह पे थिकनेस ज़्यादा हो गया, तो पता है ना ये स्प्रे पेन भी अच्छे से स्प्रे नहीं किया, और नहीं तो ये जो रबर सरफेस है इसलिए शायद ऐसा हो सकता है, यहाँ पे कलर स्लाइड किया और वो बम आ गया यहाँ पे। तो देखते हैं, इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये जो फ़ोन कवर मैंने पेंट किया था अपना स्प्रे पेन से, उसको बाहर सुखाने के लिए दे दिया, तब तक हम थोड़ा बोर फील कर रहा हूँ मैं, तो कुछ गाने गा लेता हूँ रैंडमली, तो आप लोग मजे करना। रैंडम गाना, पहला गाना मैं गा रहा हूँ लकी अली का ओ सनम, तो चलिए ट्राई करते हैं। शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरी उतर पाती है, ओ सनम मोहब्बत की कसम। तो दोस्तों हमारा जो बैक कवर है जिसको मैंने स्प्रे पेंट किया था उसको मैंने सुखाने के लिए दिया था, तो अभी तकरीबन 30 मिनट्स के ऊपर हो चुका है, तो चलिए अभी जाके देखते हैं उसका क्या हालत है। मुझे नहीं लगता ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने वाला है, चलिए अभी जान के बाद ही पता चलेगा, तो जाके देखते हैं क्या हाल है उसका। तो ये रहा, ये सूखा कि नहीं सूखा, नहीं लग रहा है दोस्तों, सूख गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये रहा बैक कवर, ये तो पेन तो अच्छा ही है, अभी पकड़ में स्मूथ लग रहा है मुझे, तो आपको इस तरफ से दिखा देता हूँ, देख सकते हो तो हाथ पे नहीं लग रहा है, इस साइड में भी ये हो चुका है, तो ये ऑरेंज कलर हो चुका है पेन हमारा, देख सकते हो। तो ये अभी वैसे यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि वैसे पकड़ने में स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्मूथ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बम्प्स है, लाइक ये जो कलर है ये आप देख सकते हैं, शायद इस तरह करने से आप देख पाएंगे, मतलब स्मूथ कलर नहीं हुआ है। दूसरा आप देखिए, तो मैं नाखून से करने से उठ जा रहा है, तो ये जो पेन है स्प्रे पेन है वो अच्छे से फिक्स नहीं होता इस प्लास्टिक में बैक कवर में, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे अपना मतलब जो बैक कवर है प्लास्टिक का जो ख़राब हो चुका है उसको ऐसे पेन करें, हम का खर्च हो जाएगा, इसको आप फेंक दें और नया कवर खरीद लें। ये ट्रांसपेरेंट कवर बहुत चीप आता है 100 रुपीज़ का, तो खम का आप ये पेन खरीद के इसे पेन करने के बाद भी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, देख सकते हो ये कुछ भी अगर शार्प चीज़ यहाँ पर लगे तो ये पेन निकल जा रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया। तो ये स्प्रे पेन वर्सेस ये बैक कवर एक्सपेरिमेंट फेल, अब मत करो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ये स्प्रे पेन और ये हमने जो ट्रांसपेरेंट फ़ोन का बैक कवर है उसका एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ये कामयाब नहीं रहा। मैंने सोचा था ये जो ट्रांसपेरेंट बैक कवर होता है वो तो बहुत मेला हो जाता है, लेकिन कवर तो अच्छा ही रहता है, तो उसको क्यों ना हम दोबारा स्प्रे पेन से पेंट करके यूज़ किया जाए। तो ये ऑरेंज कलर का स्प्रे पेन से मैंने पेंट किया था इस ट्रांसपेरेंट बैक कवर को, तो ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा, ये फेल हो गया है, देख सकते हो आप यहाँ पे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लगने से, ये जो कलर है स्प्रे पेन यहाँ पे फिक्स नहीं होता, तो ये आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आप ट्रांसपेरेंट बैक कवर आपका अगर ख़राब हो जाए तो ये पेन स्प्रे पेन काम पर नहीं है, यहाँ पर ये लाइक फिक्स नहीं होता, तो आप लोग नया कवर खरीद लीजिए। तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और ये मेरा 1200 का जो ट्रांसपेरेंट बैक कवर था उसका भी सत्यानाश हो गया, नुकसान हो गया। चले ये एक्सपीरियंस मुझे करना था तो इसलिए मैंने किया आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे फिर से नए वीडियो में और किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ और किसी नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी स्टे फिट, सी यू सून।